नमस्कार दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। और आज 13 जनवरी है, पंजाब का आज बहुत ही बड़ा त्योहार है लोहरी। तो आप सबको लोहरी की ढेर सारी बधाइयाँ। और लोहरी की शुरुआत हो रही है, शाम के 7 बज गई है। कल थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, इसलिए आज ठंडी ज्यादा बढ़ गई है। पर अच्छी बात है ना कि ठंडी में लोहरी का त्योहार होता है, जो आग जला के त्योहार मनाते हैं। तो अभी आग तो नहीं जला है, बस थोड़ी देर में जलने ही वाली है। आग जला के उसमें मत्था टेकते हैं और वहीं पर मतलब बैठ के रेवड़ी गच्चक खाते हैं और नचते गाते हैं। लेकिन उससे पहले पेट पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो आज त्योहार के नाम पर मैं दाल मखनी बनाने जा रही हूँ। वैसे तो लोहरी वाले दिन यहाँ साग बनाते हैं, सरसों के साग, पर सरसों का साग नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ी हुई थी और साग बनाना बहुत झंझट होता है, बहुत टाइम लगती है। तो मैं फटाफट आज कुछ बनाने जा रही हूँ, दाल मखनी। तो दाल मखनी बनने वाली दाल जो काले छिलके वाली होती है, उर्द की दाल, इसको लोग माह की दाल बोलते हैं। माह की दाल नहीं होती है, माह की दाल होती है, माह। तो लोग माह की दाल मजाक करते हैं। तो आज मैं माह की दाल बनाने जा रही हूँ, ये देखिए छिलके वाली। तो सबसे पहले फटाफट मैं दाल रखूँ। तो दाल धो के और रख रही हूँ चूल्हे पर। ये दाल ना कई लोग पहले से भिगा के रखते हैं, पर मैं पहले से भिगा के नहीं रखती हूँ। क्या है कि जो भी दाल पहले से भिगा देते हैं ना, तो उसकी प्रोटीन पानी में निकल जाती है। तो मैं फटाफट धो के ही रखती हूँ। अगर हाँ, इस दाल में छोले भी डालते हैं, काले चने या राजमा डालते हैं, वो अगर डालना है तो उसको पहले से भिगाना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है पकने में। तो वो पहले से भीगा हुआ रहेगा, फुला हुआ रहेगा तो जल्दी पकती है, क्योंकि दाल पकने में टाइम लगेगी, कम से कम 5-6 सीटी लगाऊंगी। तो मैं पहले से दाल को नहीं भिगाती हूँ, दाल को बस धो के और फटाफट रखती हूँ। और इसमें अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ हल्दी और नमक डाल रही हूँ दाल में। और जब तक ये दाल पकती है तब तक तड़के की तैयारी करते हैं। और दाल मखनी बन रही है तो उसमें मक्खन तो चाहिए, पर मेरे पास आज मक्खन नहीं है, पर मलाई है। तो मैं फटाफट से मलाई को मक्खन में भी बदलती हूँ, यानी कि पहले मक्खन भी बनाती हूँ। एक तरफ पहले दाल में सीटी लग ढक्कन लगा दूँ। जैसा कि बताई कि दाल के लिए मक्खन चाहिए, तो मक्खन नहीं है पर मेरे पास मलाई है। और इस मलाई को आज ना आप सबको दिखा के मक्खन निकाल लूँगी, क्योंकि एक मेरी प्यारी सी भांजी है सुमन, उन्होंने बोला है कि मामी आप घर में घी कैसे बनाते हैं। तो उनको मैं घी बनाने के लिए भी दिखाती हूँ। तो घी बनाने से पहले जो दूध डेली गर्म करके फ्रिज में रखती हूँ, उस पर मलाई जम जाती है। वो मलाई मैं अलग से एक बर्तन में निकाल के रख लेती हूँ। तो ये मेरे पास देख सकते हैं, ये एक गड़वी मलाई है जो करीब 10 दिन से मैं इकट्ठा कर रही थी। और आज घी नहीं है तो घी नहीं बनाऊंगी, पर दाल के लिए मक्खन तो बना ही लेती हूँ। और मक्खन को पिघला लेंगे तो घी बन जाएगा। तो पहले तो बता दूँ कि इस मक्खन को लेती हूँ इस मिक्सी जार में और ग्राइंड करना है इसको। ग्राइंड करने के लिए इस मलाई में थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ कैसे मक्खन बन जाता है मिनट में। कई बार नखरा होता है इस मक्खन को भी निकलने में, ड्रामे करता है, जल्दी से नहीं निकलता है। तो उसके लिए भी बताऊंगी, अगर निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो बताऊंगी। जैसे कि सर्दी का दिन है ना, तो इसमें हल्का सा गर्म पानी गुनगुना करके डालना पड़ता है। और अगर गर्मी है तो ठंडा पानी फ्रिज वाला डालना पड़ता है। और आज जल्दबाजी में मैं बना रही हूँ ना, तो इस मलाई को ऐसे ही डायरेक्ट बना रही हूँ, नहीं तो इसको क्या करती हूँ हल्का सा गर्म करके और इसमें जाग डालती हूँ, यानी जोरन डाल के दही जमा लेती हूँ, फिर मक्खन बनाती हूँ। उससे क्या होता है कि ये मक्खन निकालते समय जो एक्स्ट्रा पानी निकलता है ना, वो जोरन वाला रहेगा तो वो छाछ बन जाती है, तो फिर छाछ भी अपने काम में आ जाता है।
ये मक्खन निकल नहीं रहा क्योंकि मैं फ्रीजर में रखती थी। फ्रीजर में रखने का भी एक मतलब बता दूं, मैं यहाँ देखी हूँ हर घर में ये मलाई रखते हैं फ्रिज में। होता क्या है, हफ्ता 10 दिन तक अगर फ्रिज में आप रखेंगे ना तो इस मलाई में पीलापन आ जाता है, मतलब कि हल्का सा स्मेल सी आ जाती है। तो मैं फ्रीजर में रखती हूँ। फ्रीजर में आप चाहे महीना दिन स्टोर करके रखेंगे फिर भी बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा रहेगा, इसमें पीलापन नहीं होता है, ख़राब होने का बिल्कुल चांस ही नहीं है और न ही इसमें गंदी स्मेल आती है, बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश रहेगा। इसलिए मैं फ्रीजर में रखती हूँ और फ्रीजर में रखने से बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम गई है। दिन में निकाल के फ्रिज में रख ली थी फिर भी अभी पूरा पिघला नहीं है, तो जिस दिन बनाना रहे उस दिन पहले से निकाल के बाहर रखने के बाद ही पिघल जाएगा, पर रखती हूँ मैं फ्रीजर में ही। और बाहर सब कोई आ गए हैं हैप्पी लोहड़ी करने, मैं लेट हो रही हूँ। लेट होने का वजह है मैं डी मार्ट चली गई थी आज शॉपिंग के लिए, इसलिए लेट हो गई हूँ। फिर भी देखती हूँ कोशिश करके जल्दी जल्दी करने की। तो इतना मक्खन अभी मैं जा रही हूँ बनाने, जो मलाई है इसमें इससे एक कटोरी पानी डालूंगी। मलाई में पानी डाल के और ग्राइंड कर दूंगी इसको। जैसे कि दिखाई थी ना कि कई बार ड्रामा करता है, बढ़िया नहीं निकलता है, और बिल्कुल फ्रिज से निकाली हूँ तो ये मलाई नहीं निकल, मक्खन नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर गर्मी का दिन है तो ठंडा पानी, और अभी सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हल्का सा गर्म पानी, बिल्कुल हल्का हाथ सहने भर का गर्म पानी, और ये डाल के जैसे ही एक राउंड लगाऊंगी मक्खन आराम से निकल आएगा। तो ये देखिए मैं गर्म पानी डाल दी इसमें, ये देखिए ऐसे इसमें लिबड़ गया है, और जब ये गर्म पानी डाल के चलाऊंगी उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए इसका पानी अलग, इसमें निकाल के दिखाती हूँ। ये रहा पानी और ये रहा मक्खन। नीचे आग आग लगा दिखा है। ये मक्खन अब इसको गरम करके घी बनाना है तो घी बना लीजिए, हमें आज दाल मखनी बना रहे तो दाल के लिए चाहिए तो ये दाल में यूज करूँगी, या तो पराठे में खाना है तो पराठे में खा लीजिए। और ये जो पानी बच गया इसमें से, कोई आंटी बोली है कि इसमें खट्टा डालो तो पनीर बनाता है, तो मैं पनीर कभी नहीं बनाई हूँ, पर उस आंटी की बात को सुन के अब सोची हूँ कि एक दिन ये भी एक्सपेरिमेंट करूँ तो देखूँगी, क्योंकि ये फ्रेश दूध है बिल्कुल, खट्टा तो है नहीं, तो पनीर बनता है कि नहीं। वो भी किसी दिन देख लूँगी पनीर खा के भी।
जैसे कि बताई ना कि मैं इसको गरम करके जो मलाई है उसको गरम करके दही जमा के बनाती हूँ, तो जो ये पानी निकला वो पानी नहीं मतलब ये दूध है, यहाँ के लोग इसको नाली में फेंक देते हैं। तो मैं तो एक दिन ट्राई लेके देखूंगी, एक दिन का भी देख ही लेती हूँ कि इससे पनीर बनता है कि नहीं। बाकी मैं दही जमा के बनाती हूँ तो जो छाछ बन जाती है, जिनको छाछ पसंद है वो छाछ पी लीजिए, अगर छाछ नहीं पसंद है तो बहुत मस्त कढ़ी बनता है। तो मैं तो कढ़ी बना लेती हूँ इसी छाछ से, पर उसके लिए वही मेहनत थोड़ा सा है कि दही मलाई को दही जमा के फिर ऐसे करते हैं, मिक्सी में ग्राइंड करते हैं। तो ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दूध है, यहाँ के लोग इसको नाली में फेंक देते हैं क्योंकि फ्रिज में रखते हैं, और फ्रिज में मलाई रखे रखे कई बार पीलापन हो जाता है, स्मेल सी आ जाती है, तो उसको यूज नहीं करते। फ्रीजर में रखने का ये फ़ायदा है कि इसको हम यूज कर लेते हैं। इस पानी तो आज जल्दबाजी में मैं कच्चा निकाल रही हूँ, तकरीबन मैं छाछ बनाती हूँ, दही बना के तभी इसको मथती हूँ। और देख सकते हैं इधर कुकर भी मेरा सीटी ले चुका है, और आज हम दूध को भी देखने लगे हैं कि इससे पनीर बनता है कि नहीं बनता है। तो पहले दूध गर्म करूँ और दाल की तड़के की भी तैयारी करती हूँ। तो ये दूध उबल गया, इसमें खट्टा पानी डाल के देखती हूँ, फटना तो चाहिए। तो सच में इस दूध से पनीर भी बन गया दोस्तों, इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। मैं तो हमेशा छाछ ही बनाती हूँ, पर आज कच्चा मलाई मतलब ग्राइंड करके और मक्खन निकाल ली, और जो पानी बच गया उसमें मैं खट्टा पानी डाली, तो देख सकते कितना सारा पनीर बन गया। वाह क्या बात है, देख सकते। तो अगर जो लोग नाली में फेंक देते हैं वो एक सीख ले सकते हैं कि सच में इस दूध से पनीर बनता है, और काफ़ी सारा बना, इतने सारे दूध में मैं छान के दिखाती हूँ कितना पनीर बना है। ये देखिए एक कटोरा पानी था मक्खन वाली, उसमें इतना सा पनीर भी निकल आया, और टेस्ट तो नहीं खराब हुआ इसका, टेस्ट भी बिल्कुल जैसे ताजे दूध से निकालते हैं सेम वैसा ही है। तो अगर इस दूध से पनीर भी बन जाता है तो लोग नाली में क्यों फेंकते हैं, दूध को क्यों अपमान करते हैं, इतनी महंगी चीज़ जो किसी को मिलता नहीं है, और इतना अच्छा पनीर बिल्कुल फ्रेश दूध से पनीर निकालते हैं, वैसे बिल्कुल मीठा मीठा पनीर निकला है। तो दाल मखनी में डाल लूँगी इसे भी आज, और तड़के के लिए अदरक लहसुन कूट ली हूँ, और जो दाल मखनी बनाते हैं ना उसमें टमाटर प्याज उबाल के पीस के डालते हैं, पर मैं कद्दूकस करके डालती हूँ, तो टमाटर और प्याज को कद्दूकस कर लेती हूँ। दाल हो गया है, और नीचे से मुझे बुलावा आ गया है, मेरी बेटी बुलाने आई है। आती हूँ बेटा थोड़ी देर, आ रही हूँ दाल छोंक लूँ फिर आती हूँ। तो चलो आ रही हूँ मैं,
चलो चलो आ रही हूँ। नीचे जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो नीचे मत्था टेकने के लिए तो ले जाऊंगी तिल वगैरह, साथ में जो मूंगफली ले जाऊंगी, तो मूंगफली खा खा के सब बोर हो जाते हैं, तो मैं पॉपकॉर्न ले जाऊंगी। पॉपकॉर्न बनाने के लिए इधर मक्खन डाल दी, और पॉपकॉर्न गर्म होता है तब तक मैं इधर दूसरे तरफ दाल छौंकने के लिए कढ़ाई रख लूँ। ये दाल दोपहर में भुजिया बनाई हूँ, उसमें काफ़ी सारा तेल इकट्ठा है, इसी में दाल छौंक लेती हूँ। मक्खन निकालने का दो फायदा दाल में भी गया और पॉपकॉर्न भी बना लूँगी। और मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, पहली बार मैं जो बेस्ट दूध है उससे पनीर निकाली हूँ। ऐसी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए इंसान को, कुछ ना कुछ बेस्ट चीज़ों से। बेस्ट क्या है, दूध है, दूध कभी बेस्ट नहीं होता है। पर मक्खन निकाल के लोग सोचते हैं इसका क्या करना है, तो खट्टी है, खराब है। पर मेरा दूध तो अपने आप फटा भी नहीं था, कई दिन की मलाई थी, हफ्ता 10 दिन की, फिर भी नहीं फटा, क्योंकि मैं फ्रीजर में रखती हूँ। फ्रीजर में रखने की वजह से कभी नहीं फटती है। तो ये मक्खन तो मेरा हो गया गर्म, इसमें पॉपकॉर्न डाल दूँ, और पॉपकॉर्न के लिए भी लग रहा है मैं कढ़ाई छोटी ले ली हूँ, बड़ा कढ़ाई लेना चाहिए था मुझे, पर जल्दी जल्दी में समझ में भी नहीं आ रहा है, काम उल्टे पुलटे हो जा रहे हैं। ये डी मार्ट जाने की वजह से हुई, डी मार्ट चली गई ना और लेट से गई, शाम के 5 बजे गई थी, 6:30 में वापस में आई हूँ, तो जितना होता है उतना ही मैं पॉपकॉर्न बनाती हूँ। और ये कढ़ाई भी हो गया गर्म, तो इसमें पहले तो तेल थोड़ा सा है, ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी क्योंकि मक्खन डालना है। तड़के में जीरा, कढ़ाई गर्म हो गई तो फटाफट से जीरा डाल लूँ। इतना जल्दी जल्दी कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा आज कोई काम गड़बड़ भी हो जाएगी जल्दी में। सूखी मिर्च, थोड़ा सा हींग, और ये है अदरक लहसुन हरी मिर्च, ये भी ज़्यादा कूट रही हूँ तो थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तेज पत्ता डालना बोल रही, कोई बात नहीं, एक फूट तो नहीं रहा। पॉपकॉर्न भी ओवरलोड हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि कढ़ाई छोटी रख दी थी मैं, भूल गई बड़ी कढ़ाई रखना चाहिए था, क्योंकि पॉपकॉर्न भी ज़्यादा लगेगा, कई सारे लोग हैं गली में। और यहीं पर एक गर्मा गर्म है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी नमक, बिल्कुल सादा नमक है ये, और थोड़ा सा
मिक्स नमक, घर में जो मैं चाट मसाला बनाती हूँ वो, और थोड़ा सा MDH का चाट मसाला। प्याज भून चुका है, इसमें दाल में नमक है, फिर भी थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक पहले कम डाली हूँ, तड़के में नमक डालूंगी इसलिए। और दाल में हल्दी भी है तो धनिया पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च या पाउडर पसंद है तो पाउडर। और ये मेरा तड़का तैयार है दाल का, ये देखिए बिल्कुल तड़के से तेल बाहर निकल रही है। तो तड़का तैयार है, दाल देख लेती हूँ, दाल भी नहीं जल्दी मैं देखी हूँ कि गला है कि नहीं, अभी सीटी भी इसमें से नहीं निकला है तो सीटी तो इमरजेंसी में निकालना पड़ेगा। दाल बिल्कुल गला हुआ है और यहीं पर अब पहले थोड़ा सा डालूं क्योंकि ये गर्म है तो उड़ेगा कड़ाही में से। तो दाल मखनी तैयार है दोस्तों, देख सकते हैं। और ये जो मैं पनीर निकाली हूँ, इतना सा पनीर का क्या बनाऊँगी, इसी दाल में डाल देती हूँ ट्विस्ट, यहीं पर पानी निचोड़ के। वैसे तो दाल मखनी है, यहाँ पर मक्खन डलता है, मक्खन भी डालूँगी पर मैं पनीर भी डाल रही हूँ क्योंकि ये पनीर ना कई दिन तक रख के क्या करना है, कल मकर संक्रांति है तो कल आलू दम बनेगा और परसों, रुक जा बेटा, परसों खिचड़ी है तो खिचड़ी बनेगा, तो ये पनीर कई दिन तक स्टोर रखने से कोई फायदा नहीं है। तो पनीर भी डाल दिए, चूल्हा कर दिए बंद। इसी पर डाल देते हैं थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा इसलिए कि जब खाने लगेंगे तो सबको कटोरा में भी मक्खन चाहिए ऊपर से, तो जब सर्व करूंगी तब डालूंगी। इसको ढका के दूँ और चलती हूँ नीचे आप सबको लेकर। तो चलिए मेरे साथ हैप्पी लोहड़ी करने। ये रही हैप्पी लोहड़ी की तैयारी। ले बेटा प्लेट उठाओ, एक तू ले चल मैं ले चलूँगी। तो चलते हैं अब नीचे, और जब नीचे से आऊँगी तब बनाऊँगी रोटी। हाँ, हैप्पी लोहड़ी। तो नीचे की भीड़ इतनी लगी हुई है, मेरी कमी है, मैं भी चल के उस कमी को पूरा करती हूँ। मेरी बेटी 4 बार आके बता चुकी है नीचे जाने की बात। चलो
और अच्छा ब्लॉग बन रहा है और खिल्ला भी पहले खाना बड़ा देखो बोला कैमरे वाला भी मंगा लिया कैमरे क्या बोलते हैं जी इस तरह इधर जा इतनी जल्दी जड़ खुले पा नहीं आता सर तुम्हारा पांच बार का एक बार यही पावे कोई सब थोड़ी थोड़ी कोई मेरे बहुत सारे विवेक टोटल टोल गड्डी कर लो ले लो ये ले ले वो खोल ले लो हां जो मर्जी लो जो मर्जी ले लो लोड़ी हैप्पी लोड हां दी आपको भी Happy